एक गांव है राजपुरा। वहां के रहने वाले मयंक और सुरेश बहुत अच्छे दोस्त थे। मयंक और सुरेश दोनों को छुपा हुआ खजाना ढूंढने में बहुत ही मजा आता था। उन दोनों ने बहुत जगह खुदाई की, पर बड़ा खजाना कभी हाथ नहीं आया। दो चार सोने के सिक्के तो मिले थे, जिससे उनका पॉकेट खर्च निकल जाता था। मयंक कहीं बाहर जाता था तो सुरेश को भी साथ लेकर जाता था। दोनों गांव के मंदिर के पास बैठे थे। सुरेश, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटनी चाहिए। हाँ, हम दोनों की जोड़ी जय बिरु की है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सुरेश, हमें बड़ा खजाना कब मिलेगा? पुरानी हवेली पीछे एक सुरंग है, उसमें अगर हम खुदाई करें तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। लेकिन पास में नदी है और अंदर दलदल हुआ तो हम मर सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है दोस्त। हाँ तो ठीक है, हम कल फावड़ा लेकर चलेंगे। दोनों वहां से चले जाते हैं। पुरानी हवेली सुरंग है, पर मिट्टी से भरी हुई है। दोनों ने खोदना शुरू किया। दोनों अलग अलग दिशा में खोद रहे थे। सुबह से शाम हो गई थी। घर चलो, कल खुदाई करेंगे, अब शाम हो चुकी है। हाँ हाँ चलो, पर थोड़ा सा और खोद लेता हूँ मैं। चार फावड़ा चलाने के बाद एक बॉक्स मिला। मयंक ने सुरेश को दिखाया, दोनों बहुत खुश हो गए। बॉक्स को खोले, उसमें सोने के गहने थे जो चमक रहे थे। मयंक झुक कर गहने को देखने लगा, तभी सुरेश ने पीछे से फावड़ा मार दिया। मयंक बेचारा नीचे गिर गया। जहां से मयंक को खजाना मिला, सुरेश वहां खोदना शुरू कर दिया। खोदते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी आगे जाकर एक दलदल था, जिसमें सुरेश फंस गया और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। मयंक ने सुरेश को बचाने की कोशिश किया, लेकिन सुरेश तब तक डूब चुका था। दूसरे दिन मयंक अपने साथ मजदूरों को लेकर आया और खुदाई शुरू किया। इधर सुरेश खुदाई कर रहा था, वहां से 5 सोने से भरे बड़े बड़े बक्से मिले। मयंक ने सब जेवर को बेचकर गांव में हॉस्पिटल खुलवाया। इच्छा, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। हम जो दूसरों के साथ करेंगे वही हमारे साथ होगा।